ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਫੜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਆ ਇੱਥੇ सिमरन जी समाज के होर कई अजिहे मुद्दे ने जिन्हों टच करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है जो हाले तक अनटचड ने बहुत सारे मुद्दे आ पिछली बार बेरोजगारी का रखा सी इस बार ये होगा और जो कहें जो लीडर ऑफ द आर्मी जो मेन होंगे उन्होंने पॉजिटिव रहना जरूरी ताई जैसे जैसा राजा वैसी प्रजा उदा अपना शेड्स हैगा क्योंकि दोनों करैक्टर भी कह सकते हैं कि जिदा सिंगे का हो गया मैं सिंगे के ग्रुप के एक खास करैक्टर है मेरा यानी कि भरा होना गा बट कुछ सरकमस्टांस तो बनते हैं कि कुछ इदा ट्रेजडी वापर जाए एक नैगेटिव चीज़ नू एक पॉजिटिव नोट पर ले जाके फिनिश किया आई थिंक यू विल अग्री तो बाकी हूँ फिल्म किमें लगी ऑडियंस किमें परसीव कर रही है ऑडियंस दसूगी प्लस टीवी देख रहे सारे दर्शकों नू प्यार भरी सत श्री अकाल फिल्मी फ्राइडे हाजिर है ते इस फ्राइडे फिल्म रिलीज़ हुई है माइनिंग रेते ते कब्जा ते असीं आ पहुंचे इस फिल्म दी स्पेशल स्क्रीनिंग ते लेट्स सी अज केड़े केड़े स्टार्स साडे विच शामिल होने वाले ने ते उन्हां दा की कहना है इस फिल्म नू लैके तो चलो चलिए फिर हुण मेरे नाल ने सविताज बराड़ जी सत श्री अकाल सोनी जी कुड़ी दे सिर ते ताज स्वीट जी कुड़ी दे सिर ते ताज एम आई जी नहीं है स्वीट हाँ फिल्म दे विच तुसी एक बिल्कुल ही नवा करैक्टर लेके आए हो बिल्कुल जट्टी जोने मोड़ वर्गी मैं कह सकती हूँ ना वो वाला किरदार तो आटा देखा करैक्टर जी ये गाना सुन सुन के आउंदी सी की सेट ते शूट करन तो पहला मैं गाना रिपीट ते चलाउंदी हुंदी सी की ताकि मैं करैक्टर चा सकां बट किवें ओ ट्रांसफॉर्मेशन तुसी कीती किवें ओ ट्रांसफॉर्मेशन होई तुहाडी की बिल्कुल एक स्वीट जी कुड़ी है उत्थे तुहाडी दबंगिरी काइंड ऑफ देखन नु मिल रही है डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग सीगा क्योंकि आप छोटी जी गल है वैसे कैरेक्टर की वॉक तो जो स्टार्ट कर लिए तो बड़ी मैनली वॉक आ तो मैं वो वॉक न अपना भी बहुत टाइम लगा सी बिकॉज मेरी बैकग्राउंड मिस इंडिया दी आ सो आई वॉज ट्रेनड फॉर रैम्प वॉक तो ओबियसली वॉक तो इस बड़ी छोटी जी चीज़ आ वॉक तो ही आने बहुत टाइम लग गया तो उस तो बाद गन कैरी की जीप चलाई आ तो उस ताकत जी कुड़ी ने एक एक्सेंट भी फड़ के रखे है जो स्टार्टिंग तो लेके एंड तक ओहो जिहा ही रहिंदा है उस कीता थैंक यू वो मेरा खुद का ही आइडिया सी आई इम्प्रोवाइज्ड मैनू क्या नहीं सी गया तो सब तो ज़्यादा चैलेंजिंग की लग्या इस फिल्म दे विच अपार्ट फ्रॉम योर ट्रांसफॉर्मेशन होर की लग्या होर ये लगा कि बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट असी छेड़िया है और एक नैगेटिव चीज़ नू एक पॉजिटिव नोट पर ले जाके फिनिश किया आई थिंक यू विल अग्री ते बाकी हुन फिल्म किमें लगी ऑडियंस किमें परसीव कर रही है ऑडियंस दसूगी तुसी दसो पहला तुहानू किमें लगी मैनूं तो बहुत सोहनी लगी मैनूं सिंगे दा करैक्टर तुहाडा करैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया 100 विचों 100 स्टार्स मेरे वल्लों दा थैंक यू सो मच बस यही साडी असली पेमेंट असली कमाई यही हुंदी आ मनी इज़ जस्ट द नेम आई वॉज टॉकिंग टू योर मम्मा एंड मैं उन्होंने तो भी पूछा कि जब भी कोई कैरेक्टर साइन कर दी है सविताज तो तुहानू आके दस दी है कि मम्मा मैं ये वाला कैरेक्टर करन वाली हूँ ये वाली फिल्म करन वाली हाँ डेफिनेटली दस दी हाँ मैं अपने ब्रदर नाल भी हमेशा डिस्कस करती हाँ और मम्मा नाल भी हमेशा डिस्कस करती हाँ बोथ ऑफ दैम आर माई बिगेस्ट क्रिटिक्स तो मैं पता है कि हमेशा मेरे लिए अपना बेस्ट मेरा बेस्ट ही सोचेंगे हमेशा मेरे लिए चंगा ही सोचेंगे सो ऑब्वियसली हमेशा उन्होंने डिस्कस करती हूँ अच्छा आज जो तो तुसी अपने मम्मा के नाल फिल्म देख रहे थे उदो इदा हो रहा कि मम्मा प्लीज़ आ वाला सीन देखो आ वाला देखो दो बारी पीवीआर दा स्टाफ पॉपकॉर्न कोक देना आया और दोनों बारी गलत टाइम पर आया मेरा सीन चल रहा है तो मैं उन्होंने कह रही थी कि नहीं हले स्पीड तो चलते रहो डोंट कवर द स्क्रीन निकलते रहो बट मम्मा ऑलवेज हमेशा बहुत इंजॉय करते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं कदम कदम बिकॉज मम्मा पता है कि मैं किन्ना काम करना ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵਿਤਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਮਾ ਹੀ ਨੇ ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਗਾਈਡ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਮ ਮਦਰ ਦੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਇਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਅਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਸ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
इस फिल्म दे विच तुहाडा एक बड़ा ही डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिला है, अगर तो तुहाडा कोई मन होवे कि मैं एहो जिहा कैरेक्टर प्ले करना चाहुंदी हां तो केड़ा कैरेक्टर? कुछ एक नहीं है, मैं हर जॉनर की फिल्म करना चाहनी हूँ, हर तरह का किरदार करना चाहनी हूँ, बट आई रियली एडमायर करीना कपूर्स कैरेक्टर इन जब वी मेट गीत, तो उदा का कैरेक्टर मैं करना चाहनी हूँ। आई विश ओह जी फिल्म तुहानू जल्दी मिले। तो इस साल तुसी फैंस के लिए की लेके आ रहे हो? इस साल फैंस के लिए एक ईपी तो काम चल रहा है, अराउंड 6 गाणिया की ईपी है, तो बड़े चूजी होकर गाने लभ रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, सो बाय द होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो फिल्मा ने दो ऑस्ट्रेलिया तो न्यूजीलैंड जा रही हूँ शोज़ वास्ते जून जुलाई अगस्त, तो गाने तो चलो आते ही रहेंगे फिल्मा ने दो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। हुन मेरे नाल ने बाबर खान जिन्हों का माइनिंग फिल्म दे विच एक बड़ा ही दमदार करैक्टर होने वाला है। सत श्री अकाल बाबर जी। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? बहुत वधिया जी। यार जिगरी कसुत्ते डिग्री दे विच असीं तुहानू देख चुके हैं, माइनिंग तुहाडे तक किवें पहुंची? हुंदल भाजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी ने, तो इन्होंने इन्हों मैं पहला भी एक काम किया होगा ना, वो करके इन्हों मेरा जो काम से अच्छा लगता है, तो इन्होंने मैंने एक बार कहा भी सीगा कि मैं तो अपनी फिल्म दे विच कास्ट करूँगा जरूर, तो हुंदल भाजी ने मैंने अप्रोच किया जी, बहुत मतलब इन्हों का एक सुखबीर भाजी ने, तो इन्होंने मैंने अप्रोच किया कि तुम आप फिल्म कराएं इकट्ठे। जेकर थोड़े करैक्टर की गल करिए किहो जिहा करैक्टर होने वाला है, तो इस फिल्म दे विच भी की तुसी नैगेटिव शेड विच नज़र आओगे? नहीं मैम, मैंने यार जिगर एक सुती डिग्री दे विच नैगेटिव करैक्टर किया सीगा, तो जर्सी दे विच मेरा पॉजिटिव सीगा, बट इहदे विच मेरा मतलब एक करैक्टर ने कि शेड्स उहदा अपना शेड्स हैगा, क्योंकि दोनों करैक्टर भी कह सकते हैं कि जिदा सिंगे का हो गया, मैं सिंगे के ग्रुप दे विच एक खास करैक्टर है मेरा, यानी कि उहदा भरा होना गा, बट कुछ सरकमस्टांस इदा बनते हैं कि कुछ इदा दी ट्रैजडी वापर जांदियां ने, तो उस बाद फिल्म मोड़ लेंदी है, ना वही जी सरकमस्टांस ने उही चलते हैं सर। मेरे फिल्म दे विच बहुत ज़्यादा वड्डे वड्डे आर्टिस्ट ने, सिंगा ने, फिर विक्रम जी ने, सविताज पराड़ है, सारा गुरपाल है, इन्होंने सारे दे नाल काम करन दा तुहाडा किहो जिहा एक्सपीरियंस? मेरा सिंगे भाई नाल पहली बार मैंने काम किया, रांझे भाई नाल पहली बार काम किया सीगा, सविताज जी नाल मैं पहली बार काम किया, गुरपाल जी नाल तो मेरा कोई बेसिकली सीन होया नहीं, तो इन तिना मेरे अच्छे सीन हुए ने, तो अच्छी बॉन्डिंग है, अपना सिंगा भाई बहुत मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छा है, तो मैं तो चलो एक एक गल थैंक्स करदा रनिंग हॉर्स का कि उन्होंने सानू कास्ट भी किया इस फिल्म के, है ना, रांझे भाई नाल काम करके बहुत वधिया लग्या। तुसी अपने आप नू आने वाले कुछ साल पंजाबी इंडस्ट्री कित्थे देखते हो? मैं तो जी मैं तो स्टार ही देखता जी अपने आप नू, है ना, बिकॉज मैं काफ़ी लंबे समय तो थिएटर कर रहा, थिएटर नाल जुड़िया हुआ है, कि मैं यही है कि सिर्फ एक भी सिख के आया हुआ मैं, एक मैं ऐ लगता कि मैं जे मैं सिख के आया तो मैं उस तरीके का करैक्टर मैं मिलना चाहिए, एक चैलेंज मिलना चाहिए कि तुम कर सकते हो, है ना, तो मैं कर भी सकता, क्योंकि मैं ये होंगे कि जे तुम सीख लिया ना तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, तो एक्टिंग लाइन तो आर्टिस्ट लाइन एक यह जी है कि बंदा सारी उम्र सीखता रहा, तो सीखना बहुत जरूरी है। एक नवे आर्टिस्ट नू अपने आप नू इस इंडस्ट्री दे विच एस्टैब्लिश करन दे लई किन्ने की चैलेंजेस फेस करने पैंदे ने, ते तुसी किन्ने की फेस कर चुके हो या कर रहे हो? मैं काफ़ी मतलब छोटे हुंदा दी मैं इस लाइन दे विच आ, क्योंकि मैं स्कूल च हुंदा दी उदों, फिर मैं रामलीला भी बहुत की हैगी, है ना, फिर मैंने थिएटर बहुत किया, पंजाबी यूनिवर्सिटी बहुत किया, कॉलेज बहुत किया थिएटर मैंने, तो उस तो बाद मैंने हौली हौली मतलब मैं जो कोई वैसे ही कहना भी इतने एक ऑडिशन है चाहे फेक हो मैं उत्थे भी चला जाता सी, मैंने ऑडिशन फेक भी बहुत दिते नेगे, है ना, मैंने मैंने जेन्यून ऑडिशन भी बहुत मिले, मुकेश छावड़ा सर ने बॉम्बे तो जी कास्टिंग कंपनी है, अच्छा उन्होंने मेरा जो कॉन्टैक्ट होया हूँ जो भी कितने मैं कोई कोई शूट हों तो ऑडिशन की मैं कॉल आती है भी तुम ऑडिशन दो, क्योंकि व्डे लैवल से ऑडिशन एक जरूरी भी हो जाता है, है ना, तो कुछ फिल्मों से यह हो जाता कि तुम अपना आप भी मतलब अपने आप को प्रूव कर दोगे, तो बहुत फेसिस आए ने मेरे यह जे कई बार तो बंदा बुला के भी कहता भी नहीं जी आ होना नहीं है, मतलब इस तरीके भी चेंज हुए हैं। कोई यहोजा करैक्टर जो अपने लाइफ टाइम जरूर करना चाहोगे? मैं ना पुष्पा वर्गा तो कंतारा वर्गा करैक्टर जरूर करना चाहूंगा, ऋषभ शेट्टी वर्गा करैक्टर। आई विश हो जल्दी टाइम आए, तो इस फिल्म का थोड़े को डायलॉग जरूर सुना। बेसिकली इस कहता वो मैं सिंगे बजे डायलॉग याद आ, कहता जिस जिहड़ी मिट्टी सोने के भा बिकती हो सोना बेचण की लोड़ नहीं। मेरा डायलॉग तो मेरा डायलॉग मतलब एक कहना वो एक डायलॉग है बड़ा सोहना, सविता चाह लैन चली जाती है, वह कहता भी प्रधान कहता चार कप चाह होर वधा दे, फैमिली मैंबर वध गए अपने मतलब वो बहुत सोहना डायलॉग है वो। वेल बेस्ट ऑफ लक, तुसी साडे पंजाब प्लस दे दर्शकां नू कोई खास मैसेज देना चाहोगे?
मेहनत करते रहो क्योंकि जिहड़ा मतलब खेडे नहीं वह कदे जित नहीं सकता, जिहड़ा खेडिया हमेशा है उहदी बारी आउणी आउणी है। सो हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करते रहो। थैंक यू सिंगर जी। इन्हों की गलबात चल रही थी कि आम तौर से की गल् चल रही है, तो दोवें कि नर्वस हो तो सब तो ज़्यादा किस चीज़ को लेकर डिस्कशन होंगी है? एज अ प्रोड्यूसर मैं नर्वस है कि बिजनेस ठीक हो, पिक्चर का पब्लिक को पसंद आए, जिस मेहनत ना जिस इन्वेस्टमेंट करके फिल्म को बनाया गया है, अच्छी इन्वेस्टमेंट की, वही फिल्म है, साउथ का पूरा क्रू है। एंड सिंगर नाल यही गल हो रही थी कि भाई कितने हो तुसी, मैं तो पहला पहुंच गया, वही बॉन्डिंग है, कहते नाल जाना सी आपां। अच्छा तुसी सिंगर जी नूं समझाने हो कि वो तुहानूं समझांदे ने कि हाँ फिल्म वधिया करेगी, हिट जाएगी, कौन ज़्यादा सपोर्टिव है एक दूजे नूं लैके ते कौन ज़्यादा पॉजिटिव है? पॉजिटिव दोनों ओबवियसली, जिहड़ा कहिंदे ना जिहड़ा लीडर ऑफ द आर्मी जिहड़े मेन हुंदा उहनूं पॉजिटिव रहना जरूरी, तां ही जैसे जैसा राजा वैसी प्रजा। सो बीइंग द लीडर ऑफ दिस प्रोजेक्ट एज अ प्रोड्यूसर मैंने हमेशा ही पॉजिटिव रहने, अभी भी पॉजिटिव ही है बहुत। एंड जो सू अभी तक मैंने रिव्यूज़ आ रहे हैं जितने मुंडीर कराउड अबोर मोगा पब्लिक ने बहुत सीटियाँ मार के लोग देख रहे, लुधियाने से भी कई सवेर के शो 30-30 40-40 बंदे बैठे हुए थे 10 बजे के शो। सो इट्स अ गुड साइन। एंड मेरे सामने फिल्म वर्ड ऑफ माउथ तो जिम्मे कंटारा पुष्पा वर्ड ऑफ माउथ तो चली सी, उदा की फिल्म है, पीपल विल लव द फिल्म, देखोगे तुम तो मज़ा आएगा। हाँ एज अ प्रोड्यूसर ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है या एज अ एक्टर? एज अभी अब एज अ प्रोड्यूसर, एक्टर तो मेरी 26-27 फिल्म है, साउथ की, हिंदी, पंजाबी, एज अ प्रोड्यूसर नर्वसनेस है। एक किहोजा कॉन्सेप्ट लेके आना अपने आप विच ही बहुत वड्डी गल है, किन्ने के चैलेंजेस फेस करने पे हुण तक इस फिल्म नू रिलीज होण तक? एग्जैक्टली जे तुसी पुछो हजे तक चैलेंजेस फेस करने पे रहे, रिलीज मिले कि राइट शोज मिल जाए, सब कुछ हो जाए, बहुत है क्योंकि सैंड माफिया की कहानी ईजी नहीं है, ये मुद्दा नू बनाना ते परमिशंस बहुत लेनी पैंदी सी मैनू बार बार, कई बार पुछदे सी लोकी आके, कई बार किते ते फिल्म बन रही तुसी असी कोई रियल लोकेशन शूट करते सी, असी सानू असी गोलमोल करदे सी कि नहीं ये तो असी एक्शन कर रहे हैं, असी यू नो सैंड माफिया दा नहीं है कुछ भी इदा दा, कहिंदे देख लै हमारे उपर तो नहीं पिक्चर बन रही, मैं कहा नहीं बन रही आप लोगों के उपर, हुण मैनू मैसेज पाउंदे ने कहिंदा की है भाई सानू दिखा दा तुसी, आई विल टेल यू है इदा दे, बट तो चैलेंजेस तो बहुत फेस करने पे, क्योंकि एक्शन फिल्म च वैसे भी मेहनत ज़्यादा लगती है, बाहर शूट होंगी, गर्मी होंगी है, बहुत कुछ होता है, क्रू बहुत है, सो दैट्स वाई तुसी फिल्म देखो, ये शो जो है मैं मीडिया वास्ते स्पेशली रखे कि आई वॉन्ट यू टू गिव योर रियल फीडबैक ऑल द मीडिया। बस लास्ट क्वेश्चन, सिंगा इन्ना वड्डा नाम है पंजाबी इंडस्ट्री का, सविताज ने इस फिल्म के सारा गुरपाल है, इन्होंने सारे नाल काम करने का क्या एक्सपीरियंस? वेरी गुड, फैंटास्टिक, अच्छे आर्टिस्ट ने, दोस्त अच्छे बन गए सब, कंफर्टेबल है, एंड बेस्ट से पॉजिटिव है सारे। That was the best part. मेरे नाल ने सविताज ब्राड दे वेरी ब्यूटीफुल मदर, सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल, तुसी बहुत प्यारे हो। थैंक यू सो मच। कितनी एक्साइटमेंट होती है जदों भी सविताज की फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होनी है, मैं अज भी बहुत ज़्यादा सीगी, और मैं ये नाल इदा आ के जो तुसी प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछते हो मैं लाइक करती हूँ सारा कुछ, क्योंकि ब्राड साहब के टाइम तो ये सारे कैमराज माइक आना मैं चंगा लगता है। क्योंकि सविताज की लेटेस्ट फिल्म माइनिंग रिलीज़ हो गई है, तो आप माइनिंग की जरूर गलबात करेंगे, तुहानू किहोजी लगी उन्होंने परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस मैंने बहुत लगी, क्योंकि वो नेचर के बिल्कुल उल्ट रोल से, जिन्या पहला मूवीज़ आई हैं वो बड़ी सॉफ्ट जी बनी है, और वो नेचर भी इदा नहीं है, और ये बड़ा बोल्ड जहाँ वह करैक्टर हैगा, वो लुक मैंने बड़ी अच्छी लगी, वो एंट्री बड़ी अच्छी लगी मैं, एंड जो घर बोलती है तो बड़ी सॉफ्ट जी आवाज़ है, वो ये बड़ी बुलंद जी आवाज़ कड़ी है, एक बार तो मैं वो आवाज़ सुन के हैरान हो गई, मैं क्या तेरी निकलती है इन आवाज़, सो बिल्कुल अलग जहाँ करैक्टर से मैं अच्छा लगे। बिल्कुल, असं भी पहला सविताज नूं हमेशा क्यूट जे करैक्टर्स प्ले करते हुए देखा, तो बिल्कुल ही एक अड़ब मुटियार वाला उन्हों का करैक्टर देखने को मिले। जो भी सविताज कोई भी फिल्म साइन करती है, वो सब तो पहला आके तुहाड़े नाल डिस्कशन करते हैं कि मम्मा मैं ये वाला करैक्टर साइन करन लगी हाँ, किहो जिहा रिलेशन है तुहाड़े दोवां दा काम नूं लैके? एक्चुअली रिलेशन तो वधिया ही है माँ बेटी का, जिदा हुंदा आ कम नूं लैके ये आ कि जदों भी कोई गल हुंदी आ तो नाल नाल गल चलती रहती है कि हाँ फलाने का फोन आया, इदा होया, मीटिंग है, मैं तो नाल ही लैके जाती ऑलमोस्ट, मैं सगो कई बार कहनी हूँ कि नहीं तू कली जा हूँ, तो मैं पता ही हों सारा कुछ, घर भी डिस्कशन चलती रही है बेटा है मैं ये आ, कोई भी काम लैके कि रोल है, कि करैक्टर है, जिदा वाला करैक्टर आया अ असी डिस्कस किया कि बड़ा अलग जहा है, जिन्ना भी रोल है बहुत सोहना आ, सो करना चाहिए, और
ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ। अच्छा हर गल तुहाडे नाल शेयर करदे ने, तुसी हमेशा उन्हां नूं की एडवाइस दिंदे हो कि अगर इस इंडस्ट्री दे विच तुसी सरवाइव करना है, कोई इहो जिही एडवाइस तुसी दिंदे हो सविताज नूं कि अपनी इंडस्ट्री दे विच किवें ओह पहचान बनाए ते किवें अग्गे वधे? एक्चुअली राजी इंडस्ट्री साडे लई नवीं नहीं है जी, असी समझ लो 25 साल तो इसे ही इंडस्ट्री च हैगे आ, सो साडे लई नवां तां कुछ भी नहीं है। बाकी मेरे ख्याल च अजकल साडी जनरेशन नालों ज़्यादा तुसी जिहड़ी तुहाडी जनरेशन है बच्चों की, तुसी बहुत बोल्ड हो एंड समझदार हो। मैं समझदी हुंदी कि हुण दे बच्चे ज़्यादा समझदार आ, तुसी सारे कुछ कर गुजरन दा ना तुहाडे च बहुत जज्बा है। इदां ही मेरी बेटी भी, मैनूं कोई फिक्र नहीं आ वह कित्थे जांदी आ कि वे शूट ते गई आ, मैं उहदे नाल नाल नहीं लमकदी हैगी। बट जदों कोई इहो जिहा मोमेंट हुंदा है कि अज स्क्रीनिंग है, अज कितें स्पैशल कोई डे है, फिर मैनूं उहदे नाल जाणा चंगा लगदा और उह मैनूं लै के जांदी है। उदां मैनूं कोई फिक्र नहीं हुंदा कि शूट ते मैं उहदे नाल जावां जां नहीं, मैनूं अपनी बेटी ते बहुत प्राउड है। अच्छा हुण तक दी सब तो प्राउड मूमेंट कीड़ी रही है सविताज नूं लै के बींग अ मदर? प्राउड मूमेंट तो मैनूं लगता छोटिया छोटिया तो बहुत हुई हैं, शायद अगे भी आदि ही रहनी है। सो एक तो है ही नहीं, स्कूल टाइम तो लैके मिस पंजाब तो लैके मिस इंडिया तक पहुँची हो, सो प्राउड मूमेंट तो बहुत है। जिमें कोई मूवी रिलीज़ होंगी वह भी मेरे लिए प्राउड मूमेंट हूँ, कोई गाना रिलीज़ हूँ वह भी, सो ये तो निके निके आते ही रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। जाते जाते साडे दर्शकों कुछ कहना चाहो? स्क्रीनिंग माइनिंग मूवी आई है तो मैं लगता कि मैं तो बड़ी अच्छी लगी है, एक अलग जहा बड़ा नाजुक तो बड़ा बोल्ड जहा विषय है, तो कुछ अलग आया है तो तुसी जरूर देखो, क्योंकि तुसी देखोगे तो मैं लगता कि यहोजे जोड़े बोल्ड विषय आर होर भी आने उन्होंने विषय से फिल्म बननिया अच्छी गल है। सो तुसी देखो प्लीज़, ताकि सब का हौसला वधे, देखना परिवार ने देखने वाली मूवी है। थैंक यू सो मच। हुण मेरे नाल ने माइनिंग फिल्म दे को प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जो अपनी बड़ी ही सोहनी जी क्यूट जी फैमिली दे नाल खड़े ने। सत श्री अकाल सारे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की हाल चाल? बहुत वधिया जी। सब तो पहला दा बिग कांग्रेचुलेशंस, फाइनली ओ टाइम आ गया फिल्म रिलीज होने वाला, क्यों जी फीलिंग आ रही है? वधिया फीलिंग है, क्योंकि बहुत मेहनत तो बाद फिल्म रिलीज हुंदी है। वही फीलिंग आ रही है, स्कूल में एग्जाम देने टाइम आती थी। हां वही है जी। नर्वसनेस हो रही है क्योंकि इतना बड़ा तुसी कॉन्सेप्ट लेके आए हो? नहीं नहीं कोई नर्वसनेस नहीं है, बट की है कि अच्छा काम किया होया, पब्लिक नु जरूर पसंद आएगा और आप अपनी बढ़िया कोशिश की है कि तो रब ने। अच्छा नर्वसनेस इसलिए भी नहीं आती क्योंकि ये जो टॉपिक है ये समाज के लिए साधारण सा टॉपिक है और टॉपिक कंसर्न जब फिल्में बनती है तो थोड़ा विश्वास और ज्यादा हो जाता है। सिमरन जी एक एहो जिहा मुद्दा लेके आना है ना ते पूरे बड़े पर्दे ते दिखाना, थोड़ा रिस्क रहिंदा है? देखो रिस्क रहिंदा वा, बट की है कि मैनू इन्ना पता कि जेडे मुद्दे साडे रियल च हो रहे हुंदे आ उहनां ते काम करना चाहिए ते असीं भी काम कीता वा। उम्मीद है कि सारे दर्शकों और सारे मतलब समाज नू अवेयरनैस आएगी और उन्होंने वधिया लगेगा और असी मनोरंजन जिहड़ा एंटरटेनमेंट फुल रखिया जिद्दां तुसीं साउथ दीआं फिल्मां च देखदे हो उही मिलेगा। अच्छा डायरेक्टर भी तुसीं हो, स्टोरी भी तुसीं आप ही लिखी है, तुसीं किवें इन्हां तक स्टोरी लिखे गए ते तुसीं किवें सोचा कि हाँ यार इस कॉन्सेप्ट ते पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? एक तो ये है कि प्यार पर बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं या नॉर्मल सब्जेक्ट पर बहुत सारी मूवी बन चुकी हैं, अभी जो दौर है वो समाज को जागृत करने का भी है। यहाँ पर इसमें जो भी बुराइयाँ चल रही हैं वो कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लेकर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये एक साधारण सी समस्या है जो सभी फेस कर रहे हैं। अब उनके कुछ पॉइंट हैं जो जिस पर इन्होंने कुछ डिटेल में लिखा है, हम पूरी तरह से रेते पर नहीं लिख पा सकते क्योंकि एक फिल्म के अंदर चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट जिस तरह से इन्होंने पेश किया वो अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है। अब ये कितना अट्रैक्टिव है ये मैं चाहता हूँ कि आप देखें फिल्म में। सिमरन जी समाज के होर कई अजिहे मुद्दे ने जिन्हां नूं टच करन दी बहुत ज़्यादा जरूरत है जो हाले तक अनटचड ने, एक तुसी टच करता है, एक तुसी लेके आ गए हो है ना, होर कोई इहो जिहा मुद्दा जिहदे ते तुसी जरूर फिल्म बनाना चाहोगे? बहुत सारे हैगे आ, बहुत सारे मुद्दे आ, पिछली बार बेरोजगारी का रखिया सी, इस बार ये होगा और अपने लोग जनता बाहर तुरी जांदी आ, इह वी मुद्दा ही आ। अपने लोगों मैं लगता कि इतें ही जो काम होएगा तो लोगों बाहर जाने की लड़ नहीं है, मुद्दा ही है तो उ और बाकी अही यही कहे मुद्दे के नाल नाल सा पूरा मनोरंजन भी है, तो फिल्म सारे देखो तो देख के दसो फिर किमें लगी। कोई
ਅਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਐਸੀ ਕਿ ਹਮ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਏਕ ਕੋ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਂਗੇ ਤਬ ਇਸਕੋ ਹਮ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਏਂਗੇ। ਔਰ ਇਸਮੇਂ ਜੈਸੇ ਹੁੰਡਲ ਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਲਿਖਤੇ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋ ਲਿਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਮਾਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੇਂ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਮੇਂ ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਇਹਨੋ ਕੁਛ ਡਿਟੇਲ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਮੇਂ ਕਈ ਮੂਵੀ ਔਰ ਬਣ ਸਕਤੀ ਹੈਂ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਇਸਮੇਂ ਉਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤੇ ਹੋਏ ਹਮਨੇ ਕੁਛ ਪਕਸ਼ ਕੋ ਉਠਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਲੀ ਜੋਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹਿੱਟ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਹਿੱਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਨੀ, ਹਿੱਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੂਵੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਫੜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਰੋਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਜੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੰਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮੂਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਸਿੰਘਾ ਅੱਖਾਂ ਪੜ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸਿੰਘੇ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਰੌਕੀ ਜੱਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਹੈਪੀ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੈਪੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਲ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ, ਔਸਮ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਤਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਲਵ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੂਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਡੱਬੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਡੱਬੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ? ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਡੱਬੀ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਕੋਲ ਡੋਲੂ ਆ। ਹੈ ਨੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਉਹ ਲੁੱਕ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਈ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੂਵੀ ਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਨੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ,
ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲੇ ਮਿਲੂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹੀ ਰਿਵਿਊਜ ਪਾਇਆ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਏ ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਪ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾਵੇ ਤੂੰ ਤੱਕਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੋਨਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮਾਈ ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਛੋਟੇ ਆ ਵੱਡੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ